पंजाब सरकार की ओर से गांवों के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे बिल्कुल खोखले होते नजर आ रहे हैं जालंधर के वार्ड नंबर 4 में पड़ते हजारा पिंड में, जिसके चलते गांव वासियों ने गांव के ही मौजूदा सरपंच पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। गांव वासियों का कहना है कि उनके इलाके में अभी तक किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो गांव में पीने का पानी साफ आ रहा है, ना ही बिजली के पुख्ता इंतजाम है और ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जब बारिश होती है तो उनके घर के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण उनका घरेलू सामान खराब हो रहा है। गांव वासियों का कहना है कि गांव के प्रवेश मार्ग का बुरा हाल है, जिसे अगर गांव में कोई बाहर से आता है तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि वे काफी बार गांव के लोगों को एकत्रित करके गांव के सरपंच के पास जा चुके हैं, लेकिन गांव का सरपंच उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इस अवसर पर गांव निवासी अमरजीत कौर, प्रवीण कौर, इंद्रजीत कौर, जसबीर कौर, बिंदर नक्षत्र कौर भी मौजूद रही। वहीं जब इस संबंध में गांव की पंचायत सदस्य सोनिया और कुलविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांव का सरपंच गांव में विकास कार्य करवाने में असमर्थ रहा है, जिस कारण गांव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने उच्च प्रशासन से गांव के विकास कार्यों की तरफ ध्यान देने की मांग की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इन्होंने नाला बनाया, पाइप आई, साडा सारा गटर गुटर पट के पक्का सी, पट के सानू कहिंदे बनावांगे, साढ़े एडा पानी उत्थे छप्पड़ लगता, जेड़ा कोई लंघदा साढ़े अंदर तक वो पानी जाता। इन्होंने बना के नहीं दिता। पंचायत कहो कि पंचायत सुनने वाली है, कोई पंचायत हैगी सुनने वाली? सरपंच तो बहुत चाहते हैं, सरपंच ने तो 1200 रुपया करके मैंने गटर आखे गटर तोड़ना 1200 करके तो 2000 दवाया, तो मेरा कनैक्शन अगे आपे जोड़ देंगे पानी वाला तो 900 रुपया दे के दवाया जो किया। मैं सच बोलना महाराज लड़ लगी ना, मैं झूठ बोलना की सरपंच ने किया ये भी दसो ना। हूँ सड़क गया कहते बनावे असी, बीबी तुम बोले तो बना ही नहीं, हूँ साल हो चलिया। इतने जो भी देख रही हूँ कोई जो भी हैगा आ कुछ नहीं, इन्होंने सरपंच ने किया है। असी सगो जो कहने सरपंच आ कर दौ, किसी ने नहीं कुछ भी किया, ना साड़ी कोई सुनता ही आ। कोठे ढठे इन्होंने पहला फार्म भर ले, तो जो पैसे मिलने लगे तो इन्होंने जवाब देता भी इतने कोई नहीं किसी का कोठा काठा ढड़िया बाले साढ़े जाके आप तुम देख लो। ये ज्यादा सरपंच बनया इन्हें अपने आप सवार लिया, इधर किसी का कुछ नहीं सवारिया है। कारण ये सरपंच नूं पता होगा भी की कारण कदों नहीं करता। ये असी तो बथेरा घर जाके भी असी देख लिया, उन्होंने अज कर देवे भलके कर देवे। जिदा सीवरेज बनाए इन्होंने ना, सीवरेज सारे जिदा बना के सारिया हौदियां बनाई, हौदियों के सारे ढक्कन ही टुट गए, किसी हौदी का ढक्कन हैगा किसी का है नहीं। साड़ी साइड के कहें पाइप पवाने, साड़ी साइड के पाइप ही नहीं पवाए, उदे नालियां पईआं तो एडे एडे नाले ना साफ होंगे ना वास्ता। जी सरपंच ही नहीं सुन रहा कि साड़ी, असं तो बहुत बार कह चुके हैं भी अज दे पट्टे इन्होंने जो पाए पाए सीवरेज ईटा भी सगिया वही बिचे दब गए, वो उन्होंने ये भी नहीं किया मौका तो ईटा पट के तुम रख लो, और कहते सारे इंटरलॉक लगनी है जी सारे, चल ईटा बिचे दब के चल गए, हूँ साल हो चला जी इदा ही देख लो। उधर अपने पास उन्होंने किया जी, बाकी तो सारे इदे गंद पाया, उधरले महल च भी इदे गंद है, इधर साढ़े ज्यादा ही है, उधर सड़क चौराहा है वो भी नहीं बन रहा जी। अपने लाए थे जो पहला बनाए ना सारे ने अपने ला के पक्के किए, इन्होंने सारी तोड़ के दोबारा फिर हम दोबारा दिलों कच्चे कर दते हैं, उधर कहते इंटरलॉक सारे लगनी है जी, तो हम कोई नहीं सुन रहा। असं रोक रोक कहने उन्होंने जी करो ग्रांट नहीं आती, ग्रांट नहीं आती, उधर बारे ग्रांट आती इधर बारे नहीं आती जी उन्होंने ग्रांट। असं सरपंच को जिदा साढ़े को लोग आ रहे हैं सानू कह रहे भी साढ़े आ सड़क नहीं बनी क्यों नहीं बनी, असी जो अं सरपंच को जाने सरपंच को कहने यदा मता पाया हुआ, यदा मता चुक के गुरुद्वारे की सड़क बनाती, इनू नहीं बनाया गया। देखो आ पिंड की मेन एंट्री आ, पिंड की मेन एंट्री देखो किन्नी गंदी आ, लोग बाहरले आके भी लोग ये कह रहे भी तुहाडी पिंड की एंट्री किदां दी आ। असीं सरपंच नूं किन्नी वारी कहा भी आ इहनूं एंट्री नूं सुधारो, पर वो नहीं सुन रहा। यह दो तीन वारी उत्थे गड्डियां भी डिग चुकियां, असीं उहनूं इत्थे एंट्री नहीं करन देवांगे साडे कोल जे कोई वोट लैण आऊगा। जिहड़ा पिंड का बंदा कोई भी आ जिहड़ा सपोर्ट करूगा उही पिंड का सरपंच होगा।